हमारी इस धरती पर जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां रहती हैं और इनमें से हर किसी की अपनी एक अलग क्वालिटी है, जिसे आज हम जिन जीवों के बारे में आपको बताने वाले हैं उनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से लेकर 200 साल तक है, तो वहीं कुछ जीवों की उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वैसे कहा जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो तय है, लेकिन आज हम आपको ऐसे अनोखे जीवों से मिलवाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज ये ओशियन क्वाहॉग क्लैम। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाने वाला ओशियन क्वाहॉग क्लैम खारे पानी का एक जीव है। ये दूसरे फ्रेश वाटर पर्ल मसल्स की तुलना में अधिक चीता है। इसकी औसत उम्र लगभग 225 साल मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में इसकी उम्र इससे भी अधिक देखी गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक साल 2006 में आइसलैंड के तट पर एक क्वाहॉग क्लैम पाया गया था जिसकी उम्र 507 साल बताई गई थी। इस क्वाहॉग क्लैम को मिंग नाम दिया गया था, जिसका जन्म साल 1499 में हुआ था। दरअसल इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उस वक्त चीन पर मिंग वंश का शासन था। वैसे इतनी अधिक उम्र होना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इनके शरीर के बारे में बात करें तो इनकी खोल ग्रे, ब्राउन व ऑफ व्हाइट जैसे कई रंगों में देखने को मिलती है, जबकि इनके अंदर का हिस्सा सफेद रंग का होता है। इनकी इस खोल की लंबाई करीब 2.8 से 4.3 इंच तक होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन ओशियन क्वाहॉग क्लैम को कई जगहों पर खाया भी जाता है। नंबर 6, ग्रीनलैंड शार्क। समुद्री दुनिया की सबसे खूंखार शिकारियों में से एक ग्रीनलैंड शार्क आमतौर पर आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में पाई जाती है। इनकी लंबाई करीब 23 फीट तो वहीं वजन करीब 1000 किलोग्राम तक होता है। ग्रीनलैंड शार्क के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी औसत उम्र 272 साल होती है, जो कि 392 साल तक भी पहुंच सकती है। दरअसल ये काफी धीमी गति से बढ़ने वाले जीव है और इसी कारण ये 150 साल की उम्र में भी प्रजनन आयु तक नहीं पहुंचते। हालांकि कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ग्रीनलैंड शार्क करीब 512 साल तक जिंदा रह सकती है। इनकी इस लंबी उम्र के पीछे का कारण इनका गहराई में ठंडे पानी के बीच रहना और स्लो मेटाबॉलिज्म बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कितने साल तक जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क समुद्र में घूमते हुए अपने लिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश करती है। वैसे इनसे जुड़ी एक बुरी खबर ये है कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने शार्क की इस प्रजाति को नियर थ्रेटन्ड के रूप में लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 5, बोहेड व्हेल। व्हेल मछलियों को हम अब तक उनके बड़े शरीर और बेमिसाल ताकत के लिए ही जानते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ व्हेल ऐसी भी हैं जिनकी उम्र आपकी सोच से भी ज्यादा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बोहेड व्हेल के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी अधिक होती है। इस व्हेल के बारे में नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि लाइफ के 100 साल तो ये बहुत ही आराम से निकाल देती है, लेकिन ये व्हेल तो ऐसी है जो 200 साल के बाद भी सर्वाइव करती है। बताया जाता है कि इनके लंबे समय तक जिंदा रहने का कारण इनके शरीर में पाया जाने वाला एक खास तरह का जीन है जिसे ERCC1 कहते हैं। ये जीन इन बोहेड व्हेल के शरीर में खराब हो रहे DNA को सुधारता रहता है और इसके चलते इन व्हेल को कैंसर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। यही नहीं, इनके शरीर में PCNA नाम का एक और जीन पाया जाता है जो इनके बॉडी पार्ट्स की रिपेयरिंग करता है और पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता है ना कमाल की बात। नंबर 4, रफ आई रॉकफिश। बोहेड व्हेल के साथ ही सबसे लंबे समय तक जीने वाली मछलियों में एक नाम रफ आई रॉकफिश का भी शामिल है। ये समुद्र में करीब 1500 फीट की गहराई में पाई जाती है। इतनी गहराई और बेहद ठंडे पानी में रहने वाली इस रफ आई रॉकफिश की अधिकतम उम्र करीब 205 साल तक होती है। साथ में ये भी बता दें कि मछलियां गुलाबी और भूरे रंग की होती हैं और दिखने में काफी सुंदर होती हैं। वहीं इनके शरीर की बात करें तो इनका वजन 770 ग्राम से लेकर करीब 5 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनकी लंबाई तकरीबन 8 से लेकर 40 इंच तक होती है। अपने इस छोटे साइज के चलते ही समुद्र में अक्सर इनका शिकार छोटी मछलियां, झींगे और दूसरे जीव बनते हैं। सुंदर सी दिखने वाली रफ आई रॉकफिश प्रशांत महासागर में जापान, सैन डियागो, कैलिफोर्निया, USA जैसी जगहों पर देखने को मिलती हैं। वैसे इस दुनिया में रफ आई रॉकफिश की करीब 100 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो साइज से लेकर क्वालिटीज तक में एक दूसरे से काफी अलग हैं। नंबर 3, टॉर्टॉइस। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में कछुए का नाम भी शामिल है। ये भले ही स्पीड में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जीने के मामले में सबको पछाड़ देता है। इसकी औसत उम्र 150 से 200 साल तक होती है और कुछ मामलों में तो ये बात सिद्ध भी हो चुकी है। जैसे आप साउथ अटलांटिक ओशियन के सेंट हेलिना आइलैंड में पाए जाने वाले जोनाथन नाम के कछुए को ही देख लीजिए। ये अपनी उम्र के लिए पूरी दुनिया में नाम कमा चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि जोनाथन का जन्म साल 1832 में हुआ था और साल 2022 में इसकी उम्र 190 साल हो चुकी है। अपनी इस हैरान करने वाली उम्र के चलते ही जोनाथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज कछुए के तौर पर दर्ज किया गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अब इसकी देखने और सूंघने की शक्ति पहले से कम हो गई है, लेकिन अब भी कुछ साल और जी सकता है। नंबर 2, अमेरिकन लॉबस्टर।
अमेरिकन लॉबस्टर की भी गिनती उन जीवों में की जाती है जो कभी बूढ़े नहीं होते, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ताकतवर हो जाते हैं। दरअसल लॉबस्टर की उम्र ना बढ़ने का कारण इनके शरीर में पाया जाने वाला टेलोमेरेज एंजाइम होता है। इन जीवों के सेल्स में लगातार एंजाइम का उत्पादन होता रहता है, जिससे इनका डीएनए समय समय पर ठीक होता रहता है और इसी कारण ये हमेशा जवान बने रहते हैं। हालांकि इनकी एक सच्चाई ये भी है कि अमर नहीं होते, लेकिन ये भी सच है कि इनकी मौत बुढ़ापे के कारण भी नहीं होती है। या तो ये किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाते हैं या फिर किसी बीमारी के कारण मरते हैं। कहा जाता है कि उनकी उम्र करीब 100 से लेकर 140 साल तक होती है। वैसे देखा गया है कि कोल्ड वाटर में पाए जाने वाले जीवों की उम्र वार्म वाटर में रहने वाले जीवों से अधिक रहती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जीवों का मेटाबॉलिज्म काफी धीरे काम करता है। इसी कारण इनकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती है। नंबर 1, रेड सी उर्चिन। हमारी लिस्ट की आखिरी सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले जीव का नाम है रेड सी उर्चिन। ये एक समुद्री जीव है जो प्रशांत महासागर की गहराइयों में दिखाई देता है। इसे समुद्र की प्लेन सरफेस पर रहने के बजाय चट्टानी इलाकों के पास रहना अधिक पसंद होता है। वहीं आप अगर इसकी बॉडी को ध्यान से देखें तो इसका शरीर लाल रंग का होता है, जबकि पूरे शरीर पर एक हार्ट शेल रहता है जिसे टेस्ट कहा जाता है। कई बार इसे समुद्र तल पर तैरते हुए भी देखा जाता है। रेड सी उर्चिन का नाम भी दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले जीवों में शामिल किया गया है, क्योंकि इनकी उम्र करीब 100 साल बताई जाती है, जो कि कई बार 100 से भी अधिक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि रेड सी उर्चिन की नर्वस सिस्टम में विशेष तरह का जीन पाया जाता है जो इस जानवर के ऊपर उम्र बढ़ने के हानिकारक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो आपका इन लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।